नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस बार के अंक पर। बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के साथ चर्चाओं में है फिरोजाबाद का अनोखा स्कूल। श्रावण मास के चलते शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़, वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना। अब गरीबों को बीमारी में नहीं होना पड़ेगा परेशान, सरकार शीघ्र कराएगी स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता संदेश का पूरे प्रदेश में असर, विभिन्न माध्यमों से लोगों को कर रहे हैं जागरूक। राजनीति की दशा एवं दिशा बदलना चाहते हैं युवा समाज सेवी सचिन चौधरी। फिरोजाबाद में एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जहां पर बच्चे ट्रेन में सफर करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। जी हां, यहां क्लासरूम को ट्रेन के डिब्बों की तरह पेंटिंग्स किया गया है, साथ ही बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। पेश है फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की यह रिपोर्ट। यह है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के गाँव नावली का सरकारी प्राथमिक विद्यालय। वैसे तो यह स्कूल सरकारी है, पर यहाँ की सजावट देख कर लगता है कि यह रेलवे का एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। इसके आगे इंजन और पीछे गार्ड का डब्बा भी है। दरअसल यह योजना जिलाधिकारी फिरोजाबाद नेहा शर्मा की है। सरकारी स्कूलों को इस तरह से रंग रूप दिया जाए ताकि इसमें गरीब तबके के बच्चे भी आकर्षित हों और स्कूल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल पढ़ने आए बल्कि उनकी उपस्थिति भी ज्यादा हो। इसी को लेकर स्कूल में यह पेंटिंग कराई गई जो कि दिखने में बेहद आकर्षक लगती है। वैसे देखा जाए तो यह स्कूल जिले का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है जहाँ की आकर्षक पेंटिंग आने जाने वाले लोगों को लुभाती है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी बेहद खुश हैं। पढ़ने में अच्छा लगता है और खेलने में भी। अब सफाई है तो अच्छा लगता है। ये ट्रेन ज़्यादा स्कूल बनाए इससे लोग इसे देखने आते हैं और अच्छा भी लगता है। ट्रेन ही लगती है। कौन सा स्कूल है? उच्च प्रांत विद्यालय नगला रोड नावली विकास खंड शिकावार। अब रोज पढ़ने आओगे? स्कूल अच्छा हो गया है? सर हम रोज ही आते हैं। इस स्कूल के बारे में छात्राओं का कहना है कि स्कूल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बाहर से लोग इस स्कूल को देखने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम ट्रेन में बैठकर कहीं पढ़ाई कर रहे हों। अच्छा लग रहा है, ऐसा हो गया तो बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और वैसे भी बच्चे आते तो यहाँ थे लेकिन कुछ बच्चों की और नामांकन भी बढ़ रहा है। स्कूल में नई पेंटिंग के बारे में स्कूल की अध्यापिका ने कहा कि स्कूल को आकर्षक तरीके से पेंट किया गया है जिससे बच्चों को भी रुचि हो रही है तथा अचानक ही स्कूल में इस तरह के पेंट करने से बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। बच्चों को स्कूल में एक अच्छा आकर्षक माहौल देने के लिए हम लोगों ने काफ़ी दिनों से प्रयास करते आ रहे हैं और वॉल पेंटिंग्स आप जैसा कि देख रहे हैं जनपद फिरोजाबाद में कई जगहों पर करवाई है। तो इसी कड़ी में एक हम लोगों को विचार आया था कि अगर पूरे के पूरे एक जो कॉरिडोर है उसको एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दी जाए, उस पर ट्रेन खड़ी है ऐसी शक्ल दी जाए और उसको क्यों ना एक स्वच्छता एक्सप्रेस का नाम दिया जाए। तो इस विचार को जब हम लोगों को लगा कि एक आध स्कूल पर इसको देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और आप वो स्कूल देखकर आए हैं। उसमें बहुत अट्रैक्टिव मोड में ऐसा लगता है कि ट्रेन खड़ी हुई है और बच्चे भी इस पूरे आकर्षण की वजह से स्कूल्स में आने के लिए प्रेरित होते हैं और ये पूरी जो एक्सप्रेस बनाई गई है ये एक स्वच्छता का संदेश देने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो SBM चल रहा है उसमें स्वच्छता का संदेश देने के लिए भी इस पूरे वॉल पेंटिंग को हम लोगों ने यूज़ किया है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने बताया कि उनके दिमाग में यह योजना इस तरह से आई किस स्कूल को ऐसा रंग रूप दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर्षित हो सकें। इसी को लेकर यह पेंटिंग भी कराई गई है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इसके बाद इसी तरह से 10 स्कूलों को भी पेंट किया जाएगा ताकि बच्चे और भी आकर्षित हो सकें। सावन का महीना आते ही पूरे प्रदेश भर में शिव भक्तों और कांवड़ियों का हजूम लगा हुआ है। ऐसे में शिव की नगरी बनारस का नज़ारा कुछ अलग ही है। आइए चलते हैं बनारस और देखते हैं संजय मिश्र की यह रिपोर्ट। सावन का महीना आते ही समूचे प्रदेश में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ने लगता है। कहीं शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा होता है तो कहीं पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं और भक्तों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं। ऐसे में भोले को रिझाने के लिए भगवा वस्त्र में कांवड़ियों के समूह बड़े उत्साह और उमंग से डूबे आसानी से देखा जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़िया पवित्र जल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में शिव की नगरी कहे जाने वाली काशी का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आता है। यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए देश के कोने कोने से लोग श्रावण मास में आते हैं। पुराणों के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव का गंगा के जल से अभिषेक का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान
समुद्र से ढेर सारे रत्न निकले, उन रत्नों में विष भी निकला, अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो और रत्न और अमृत तो सब लोग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन विष पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब भगवान भोले शंकर से प्रार्थना किया गया कि इस विष का पान आप करें, आप ही कर सकते हैं बल्कि, तो इस संसार की रक्षा हो सकती है। और लोक कल्याण के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पान कर लिया। विष पान तो कर लिए भगवान शिव, परंतु उनके शरीर में अत्यधिक ताप बढ़ गया, व्याकुल होने लगे भगवान शिव भी, और उस ताप से परेशानी के लिए उन पर जल अर्पित किया गया, और जल चढ़ाने से उनको थोड़ा राहत महसूस हुआ। तब से ये परंपरा हो गई कि इन पर जलाभिषेक किया जाता है, और संयोग से वह मास जो था भारतीय परंपरा से सनातन धर्म में, वो श्रावण मास था। तो श्रावण मास में चूँकि यह कृत्य हुआ था, इसलिए निरंतर रूप से यह मान्यता होती है कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़िए तीर्थराज प्रयागराज के घाट से पतित पावनी गंगा का जल लेकर 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वाराणसी पहुँचते हैं। नितलांचल से 80 लड़का कांवड़ लेके आए हैं, इलाहाबाद से प्रयाग से जल उठाए, अब बाबा विश्वनाथ को ढालेंगे। बम बम भोले जय भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए यह भक्त बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए घंटों तक लाइन में लगकर जलाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और अपने जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होने की कामना करते हैं। दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहतर स्वास्थ्य ही सफल जीवन का आधार है, इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश के तमाम जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित करवाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, और इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 5,00,000 प्रति परिवार चिकित्सा बीमा की सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है। इस योजना से प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत दवाइयाँ अन्य मेडिकल स्टोरों की अपेक्षा 60-70% कम मूल्य पर मिलती हैं। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर व रायबरेली में एम्स की स्थापना की घोषणा की है, जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसी क्रम में फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 4,23,363 विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करते हुए 45,18,571 बच्चों का टीकाकरण एवं 9,23,990 गर्भवती महिलाओं का टीटी टीकाकरण किया गया। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा आरंभ कर दी गई है। प्रदेश के 38 जनपदों में 2 अप्रैल 2018 से जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 से 15 वर्ष की आयु के 33,96,330 बच्चों का जेई टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से दिख रहा है परिवर्तन, बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज BTC, BEd, BPed, BSc, BCom, BA में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बुंदेलखंड का सर्वोत्तम संस्थान। विशाल का क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेलकूद और कंपटीशन क्लासेस समेत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज नवीन गल्ला मंडी के पास, झांसी रोड, महर्रा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक पेड़ शहीदों के नाम लगाएं और प्रदेश को प्रदूषण से आजादी दिलाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की
हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आराध्य परिवार की तरफ से मैं आभा चौधरी आप सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेद में है हर बीमारी का सफल इलाज, कोई साइड इफेक्ट नहीं। पंचकर्म पद्धत से जोड़ों का दर्द, घुटना एवं कमर दर्द, पाचन संबंधी रोग जैसे कि गैस बनना और अपच्य रहना जैसी बीमारियों का इलाज तो होता ही है, साथ ही स्वस्थ एवं सुंदर त्वचा के लिए भी आयुर्वेद अपनाइए। पुराने और जटिल रोगों के इलाज के लिए संपर्क करें आयुर हृदयम आयुर्वेदा एंड एक्यूप्रेशर सेंटर इन एसोसिएशन विद अमृत कृपा नारायणा चिकित्सालय केरला 8219 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 26 नोएडा। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बात समय खुशियों की, बात योजनाओं के लाभ की, बात तरक्की की, बात अपना प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है, आइए रुक करते हैं आगे की ओर। केंद्र सरकार जहां विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, वहीं सरकार द्वारा देश के 5 करोड़ परिवारों को 5-5 लाख रुपए का बीमा भी देने जा रही है, ताकि गरीब परिवारों को बीमारी की अवस्था में परेशान न होना पड़े। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों को रहने के लिए घर, स्वच्छता के लिए शौचालय और खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा व सिलेंडर तथा घर में रोशनी के लिए सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन गरीबों को अभी तक बीमारी के दौरान इलाज कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार अब देश के गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए का बीमा देने जा रही है। लखनऊ के सरोजी नगर के सांसद आदर्श ग्राम बेती में राज्य आजीविका मिशन द्वारा आयोजित 70 लाख स्टडी सौर ऊर्जा लैंप निर्माण योजना के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यह बात कही। इससे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने प्राथमिक विद्यालय के 51 बच्चों को सौर ऊर्जा लैंप वितरित किए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा आगामी 2022 तक सभी आवास विहीन परिवारों को घर मुहैया कराना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और सभी पात्र परिवारों को आवास पाने की सूची में शामिल किया जाएगा। बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ 2 ड्रेस व किताबों के अलावा जूते और मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले आजीविका मिशन के निदेशक एवं ग्राम्य विकास आयुक्त NP सिंह ने भी महिलाओं को आजीविका मिशन की योजनाओं की जानकारी दी। आजीविका मिशन के उपायुक्त सतीश प्रसाद मिश्रा व मुख्य विकास अधिकारी मनीष वंसल ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। IIT मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह व शैलेंद्र द्विवेदी सोलंकी ने सौर ऊर्जा लैंप के निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम विकास आयुक्त व राज्य आजीविका मिशन के निदेशक NP सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी गरीब प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्कूल लैंप वितरित का है। यह लैंप बच्चों को 100 रुपये में दी जाएगी, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 700 रुपये है। लैंप को असेंबल करने के लिए 12 रुपये प्रति लैंप, वितरण करने वाली महिलाओं को 70 रुपये प्रति लैंप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का संदेश घर घर गांव गांव तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही अनूठा प्रयास झांसी जनपद में किया गया, जहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा एक स्वच्छता वैन के माध्यम से गांव-गांव यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। आइए चलते हैं झांसी और देखते हैं जसवंत सिंह की यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। एक ओर जहां लोगों को विभिन्न माध्यमों से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। झांसी में विकास भवन से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन 2018 की जागरूकता के लिए 8 विकास खंड में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्वच्छता रथ को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद झांसी के 8 विकास खंडों में वीडियो वैन लगी LED पर फिल्मों के जरिए स्वच्छता की जानकारी गांव-गांव में दी जाएगी। साथ ही खुले में शौच करने वाले लोगों को इस वीडियो फिल्म के माध्यम से बीमारी के बारे में बताया जाएगा, ताकि लोग शौचालय बनाकर गंदगी से होने वाली बीमारियों से बच सकें। महीने भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान
भारत सरकार द्वारा नामित टीम द्वारा जनपद के किसी भी गांव का औचक निरीक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण में सफाई आदि के नंबर भी दिए जाएंगे। वहीं अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले जनपद को प्रथम वरीयता दी जाएगी। साथ ही प्रथम अंक आने पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 का ये जो कार्यक्रम है, इस हेतु दो LED वैन जो पूरे जिले में एक रोस्टर अनुसार भ्रमण करेगी और प्रत्येक ब्लॉक करिता एक स्वच्छता रथ, इसको आज यहाँ से हरी झंडी दिखवाई है ताकि गांव-गांव तक, हर जनमानस तक हमारा स्वच्छता का जो मैसेज है, जो संदेशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार ये जो स्वच्छ मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, इस हेतु हमने इस प्रोग्राम में इस रथ और वाहन का जो है उपयोग किया है। प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए अब युवा लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं सचिन चौधरी, जो अमरोहा संसदीय क्षेत्र के 400 गांव का दौरा कर वहां की समस्याएं जानने और उचित समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पेश है उनसे बातचीत के मुख्य अंश। आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन चौधरी, जो अमरोहा तथा आसपास के गांवों में जाकर लोगों से समस्याएं जान रहे हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक वो 100 से ज्यादा गांव में घूम चुके हैं और लोगों को भरोसा दिला चुके हैं कि उनकी सारी समस्याओं का हर हाल में समाधान होगा। इसी मुद्दे में हम उनसे बात कर रहे हैं, कैसे उनके दिमाग में यह आइडिया आया और बहुत सी उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। सर, आप अभी तक 100 से अधिक गांव में घूम चुके हैं, गांव में जाके आप लोगों से उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं, उनके समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये आइडिया, नया आइडिया ही आपके दिमाग में कैसे आया? 200 से ज्यादा अधिक गांव में गया हूं और ये 26वां दिन था आज का। 26 दिन के अंदर 200 गांवों में गए, 10 बड़े कस्बों में गए। आइडिया की बात तो ये है वसंत जी कि अगर आप धरातल पर उतर के देखें तो जो लीडरशिप है वो धरातल पर आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे कि मैं 200 से ज्यादा गांवों में गया, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि आज की डेट में कि जो लीडरशिप चल रही है गांवों में उसकी मैं उम्मीद नहीं करता था कभी भी। जैसे 200 से ज्यादा गांवों में मैं गया तो लोगों की एक ही समस्या है कि साहब जीतने के बाद नेता गांव में नहीं आते हैं। अब मुझे इस बात को सुन के बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा नहीं, चलो अगले गाँव में चलते हैं, अगले गाँव में चलते हैं। पहले गाँव से 200 गाँव 210 गाँव सब जगह पहुँचने के बाद भी ये समस्या लगातार बनी रही वसंत जी कि लोग गांव में नहीं आते हैं। तो फिर मुझे एक मन में मेरे एक सवाल आया कि यार ये लोग बसते क्यों हैं पब्लिक से, पब्लिक ने इन्हें बनाया है, पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, तो पब्लिक से इतनी दूरी क्यों? कमजोर फाइनेंशियली बैकग्राउंड से होते हुए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अभी तक आप क्षेत्र के 200 से अधिक गाँव में घूम चुके हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं और जहां तक उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, बैकग्राउंड तो मेरा कमजोर नहीं था, हमेशा माँ बाप का साथ रहा, माँ बाप मेरे साथ थे, मेरे भाई बहन मेरे साथ थे, तो इसलिए मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने जो भी काम किया कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं किसी भी काम को करता हूँ तो ये सोच लेता हूँ कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ और उसे कर लेता हूँ, ये मेरा एक गुण भी है, ये मेरा कोई कॉन्फिडेंस लेवल भी कह सकते हैं आप इसे, ये कोई अहंकार नहीं है, लेकिन मुझे जो करना है मैं उसे कर लेता हूँ। बस उसकी एक मेरे पास प्लानिंग होती है और उसके लिए मैं पूरा अपना एफर्ट्स लगा देता हूँ। सचिन जी, आप अभी तक 200 से ज्यादा गांवों में जा चुके हैं, तो उन गांवों की एक जो समस्या है क्या है, उसमें क्या देखा आपने, वहां के लोग किन किन समस्याओं से परेशान हैं? मैं 200 से ज्यादा गांवों में गया और अमरोहा एक बहुत बड़ा शहर है, यहां पर 2 लाख से ज्यादा आबादी रहती है वहां पर। अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, ये आपका हसनपुर, ऐसे ऐसे कस्बों में गया, 8-10 कस्बों में भी गया लगभग। मैं लोकसभा के सभी क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, तीसरी विधानसभा की मेरी आज की यात्रा चल रही है जो आज 26वें दिन में। आपको बताएं कि समस्या तो है लेकिन वो समस्या सब जगह सेम है। अब जैसे जो समस्या मैं आज की डेट में देख रहा हूँ वो गांवों में जो पानी का निकास है वो सब जगह ही समस्या है उस चीज की, तो उसके लिए नालियां बनाकर उसको दूर किया जा सकता है। सचिन जी, आप 200 से ज्यादा गांवों में घूम के आ चुके हैं, तो वहां के विकास का कोई ब्लूप्रिंट आपके जहन में है जिससे वहां का विकास हो सके? देखिए, ये 40 दिन की यात्रा है मेरी, 40 दिन में आज 26वें दिन में आज हम बैठे हुए हैं और अभी हमारे पास लगभग ये 14 से 15 दिन अभी और बचे हुए हैं। 40 से पहले दिन मुझे पूरा लगेंगे इसे घूमने में। लोकसभा को 400 गांवों का मेरा टारगेट है, बड़ी लोकसभा है, तो इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास एक ही है कि जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारे नेता हैं,
उन सबको लोगों से मिलना होगा, एक टाइम देना होगा। सचिन जी, आप नेताओं के बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, आपके जहन में जो लीडरशिप है उसकी असली परिभाषा क्या होनी चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि लीडर जो होते हैं वो कैसे होते थे, मैं कुछ दिन पहले बताता हूँ। लीडर वो होता था जो चार लोगों की मदद करता था, जो चार लोगों की मदद कर देता था, जो चार लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहता था, तो उसे लोग कहते थे कि बहुत नेता हो रहा है आजकल। अच्छे व्यक्ति को नेता बताया गया था पहले, अच्छे जो लोग सबकी मदद करे, सबको साथ लेके चले, सबके दुख में सुख में साथ रहता था, वो नेता होता था। लेकिन आज बड़ी छवि धुंधली हुई है। आज मैं गाँव में जाके देख रहा हूँ, पैदल घूमता हूँ, सबके साथ बैठता हूँ, बहुत भेदभाव की स्थिति आज है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। सचिन जी, आप पूरे अमरोहा के ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके सपनों का अमरोहा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा, ये मेरा फेवरेट सवाल है, इससे मैं खुल के आंसर देना चाहूंगा। मैं जो अपना अमरोहा देखना चाहता हूँ वो ऐसा देखना चाहता हूँ कि किसी को बिजली की दिक्कत ना हो, किसी के बच्चे को चोट लग जाए, कोई बीमार हो जाए तो घर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो सुरक्षित रहे, हॉस्पिटल हो। प्रत्येक विधानसभा में मैं चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल हो जो बहुत कम पैसे में इलाज करे, सरकार की तरह इलाज करे। दूसरा, किसी भी गांव में कम से कम पानी तो बिल्कुल ना भरे, सड़कें अच्छी हो, सीसी रोड्स हो, लाइट 24 घंटे हो, स्कूल बहुत खुशहाल हो। सचिन जी, आज हमारे देश में हजारों युवा ऐसे हैं जो देश के विकास में अपनी भागीदारी चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये युवाओं का देश है, भारत में तो दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं, और मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूँ, आगे आइए, ये आपका देश है, आपको हाथ में इसकी जो है कमान संभालनी है, आगे बढ़िए, राजनीति से बचिए नहीं, अपने गांव को सुधारिए, डेवलप कीजिए, जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये देश आप ही को चलाना है। अब वो जमाने चले गए कि राजनीति अच्छी नहीं है, गंदी है, बहुत इसमें अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है। राजनीति में युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है, बीमारियां कम होती हैं, तो मुझे लगता है कि युवा इस टाइम देश को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9919999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता है apnapradeshtv@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।